हाँ बेटा बोलो। सर इसमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया तो है नहीं कि प्रेजेंट है एब्सेंट, तो हम लोग ने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है? तो हम लोग बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर उसको देनी होती तो वो बता देता हम लोग को कि यहाँ पे है, तो हम कंसिडर कर लेते। ठीक ओके सर। है, अभी आएगा वो सवाल भी, अभी आएगा, मैं दिखाता हूँ उसको कैसे करेंगे सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि थ्री चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इनको रखा गया था, मैंने डायग्राम भी बना लिया था, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया था। तो इसने अब मेरे से अभी ये सवाल पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे। वो मुझे बता दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कंसिडर कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं फॉर्मूले में उठा करके Q1 VR, Q2 VR, Q3 VR को ऐड कर दूँगा। ठीक है, इसे ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा जरा, 1/4 pi epsilon naught, Q1 की वैल्यू है कितना माइनस क्यू, Q2 की वैल्यू कैपिटल क्यू, X12 की वैल्यू एल, Q3। सर हाँ बेटा बोलो। ये डिस्टेंसेस हम कहाँ से ले, ये क्या क्या कह रहे हो, क्या पूछे? वो सर जो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो हम कहाँ से ले रहे हैं? उसने अब बोला था, ये देखो उसने बोला है कि थ्री चार्ज लेना, एक माइनस क्यू पकड़ना, एक प्लस क्यू पकड़ना, एक माइनस क्यू पकड़ना, इन तीनों को इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठा देना, वो भी स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम एल लेना चाहती हो या 34L लेना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे 34L लोगी तो यहाँ पे भी 34L ले लेना। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, मेरी मर्जी थी कि मैं एल और एल ले लूँ, तो मैंने एल और एल ले लिया। कोई कहता है कि मैं यहाँ पे 7L और 7L ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 7L और 7L ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, Q2 की वैल्यू मैंने पुट करी, Q3 की वैल्यू मैंने पुट करी कितनी, माइनस क्यू पुट करी अपॉन तुम्हारे पास X23, मतलब तुम्हारे पास L, और फिर मैंने यहाँ पे पुट करी तुम्हारे पास माइनस क्यू, और मैंने यहाँ पे पुट करी कितना, तुम्हारे पास माइनस क्यू, और X13 की वैल्यू तुम्हारे पास 2L, ये आ गया, ये जीरो दे रखा, जो मेरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी वो तो मेरे को जीरो दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि 1/4 pi epsilon naught तुम्हारे पास L को हटा लेते हैं, तो माइनस क्यू क्यू प्लस तुम्हारे पास यहाँ पे भी आ गया, तुम्हारे पास कितना ये आ गया, माइनस ऑफ द क्यू क्यू, और ये हो गया है तुम्हारे पास प्लस ऑफ द क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास टू। ठीक है, तो इन्होंने कहा तुमको जाओ यहाँ से, ठीक है चले गए यहाँ से, ये बचा कितना, माइनस ऑफ द टू क्यू क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू, तो ये हो गया था प्लस, यहाँ पे आ गया। अब इसने हमसे क्या पूछा था, इसने हमसे ये पूछ लिया था कि रेशो निकालो। हाँ सही है, इसने हमसे पूछा था कि रेशो रेशो निकालने का, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू पूछी थी सिंपल सी इसने। ठीक है, तो भैया ऐसा है, ये क्यू से यहाँ क्यू कट गया, तो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 इधर 2 से 2 इधर इधर 4, तो ये आ गया 1:4। ठीक है, अगर स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू की वैल्यू बोलता तो 4:1 हमारा यहाँ पे आंसर। आई बात समझ में, 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए ये सवाल ऐसा बन सकता है, तुमको ऐसा दे देगा कि भैया ऐसा है, ये इसका रेशो बताओ क्या है, 4:1, 1:4, 2:1, 1:2 करके ऑप्शन दे देगा, और तुमसे पूछ लेगा तुम बता देना। ठीक है, आया समझ में सवाल, सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। अब देखो अब क्या बोला इसने, अब इसने बोला यहाँ पे कि अगला सवाल क्या है तुम्हारे पास, हाँ इसने कहा कि दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, एक है माइनस, एक है 0.2 माइक्रो कूलम, एक है 0.01 माइक्रो कूलम, आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन लोगों ने रखा है। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा है कि ये दोनों लोग पहले ऐसे थे, ठीक, फिर इन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई, ऐसे हो गई यहाँ पर, तो पहले ये लोग थे तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, फिर ये आ गए हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये 0.22 माइक्रो कूलम एक चार्ज है, 0.01 माइक्रो कूलम एक चार्ज है, ठीक, ये रहा 0.2 माइक्रो कूलम ये चार्ज, और ये 0.01 माइक्रो कूलम ये चार्ज। ठीक, इसने कहा कि ये ए और बी पे थे, इन्हें ए डैश और तुम्हारे पास बी डैश पे लाया गया है। ठीक, अब मुद्दा ये है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, नहीं दे रखी ना, नहीं दे रखी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करा जाए, नहीं मानेंगे और क्या। ठीक, इसने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने पूछा
कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर. ओके, तो हमने कहा कि जो हमारा ए बी है इसे हम अपनी इनिशियल लोकेशन मान रहे हैं, ठीक है, इसे हम अपनी इनिशियल लोकेशन मान रहे हैं, और जो हमारा ए डैश बी डैश है इसे हम अपनी फाइनल लोकेशन मान रहे हैं. इसने कहा आपको किसने बताया, किसने, इसी ने बताया, इसी ने बताया कि पहले लोग 10 सेंटीमीटर पर थे, इसी ने कहा कि अब इन लोगों को 5 सेंटीमीटर में लेके जाओ. तो सिंपल सी बात है, 10 सेंटीमीटर वाला इनिशियल लोकेशन होगी, 5 सेंटीमीटर वाली फाइनल लोकेशन होगी. ठीक है, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं. उसने कहा ठीक, तो लव यू ए डैश बी डैश माइनस तुम्हारे पास यू ए बी पूछा है. इसने कहा ठीक है भाई, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे वर्क डन. तो इसने कहा कि क्या हम लोग को दो चार सिस्टम का फॉर्मूला पता है. इसने कहा हाँ, 1/4πε0 Q1 Q2 इनके बीच की दूरी, यही तो होता है फॉर्मूला. इसने कहा हाँ होता तो है. तो इसने कहा ठीक है लाओ सर, 1/4πε0 Q1 Q2 हमारे पास आर ऑफ ए डैश बी डैश माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 तुम्हारे पास आर ऑफ ए बी, यही होगा तुम्हारे पास वर्क डन. हमने कहा हाँ होगा, तो हमने कहा ठीक है लगाओ फिर, 1/4πε0 Q1 Q2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पुट कर देंगे. 5 सेंटीमीटर है मतलब 5 × 10⁻², और 1/10 × 10⁻², कितना, -2. ठीक, चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधे आंसर निकालते हैं. 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹, 0.079, नहीं नहीं चेक करो, ठीक है. और Q1 की वैल्यू कितनी बोली है, 0.2, और Q2 की वैल्यू बोली है 0.01. तो 0.2 × 10⁻⁶, 0.01 × 10⁻⁶, और ये जो तुम्हारे पास 10⁻², था इसको कॉमन ले लिया गया होगा, ठीक है, तो 10⁻², ऊपर चला गया होगा 1/5, और तुम्हारे पास 1/10, ठीक है, तो 1/5 कॉमन लिया होगा, और 1/2 ये 1/2 बचा होगा. ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे उठाया. हमने कहा ठीक, देखते हैं जरा भाई कितना आंसर आ रहा है. तो ऐसा है कि क्या क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे, हमने सॉल्व किया, तो ये हो गया 10, ये हो गया है तुम्हारे पास 100. ठीक, कितना कितना आएगा, तो इसने कहा 100 से तो ये ख़त्म हो गए, ठीक है, और 10 से ये 10⁻ तुम्हारे पास 8 हो गया. और क्या बचा, इसने कहा 9 × 10⁻², यहाँ पे है 10⁸ यहाँ पे, तो 10⁴ तो यहाँ पे हो गया. ठीक, और 2 यहाँ बचा है, 5 यहाँ बचा है, और 2 यहाँ बचा है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 9/5 का मतलब 90/5 मतलब 18, मतलब 1.8 × 10⁻⁴ ये होगा. इजी है ना, एकदम इजी सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं करना था यार. उसने बोला था कि 10 सेंटीमीटर में दोनों लोग बैठे हुए हैं, और इन दोनों को उठा करके 5 सेंटीमीटर में लेके जाओ. अब बताओ उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, तो अपन लोगों ने निकाला. ये तो वैसे ही सवाल हो गया ना यार, ये यहाँ पे बैठा हुआ था 2 मीटर पे, इसको यहाँ पे लेके जाना है 4 मीटर पे, यहाँ पे 2 mg एनर्जी थी, यहाँ पे 4 mg एनर्जी थी, तो क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वैल्यू आई है इसी को तो अपन लोग वर्क डन बोलेंगे. यही तो यहाँ पे किया, सिंपल मैकेनिक्स ही तो लग रही है यहाँ पे, ठीक है. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करके निकाला, और इस तरीके से अपना वर्क डन ट्रांसफर हो गया. नहीं, आसान सा सवाल है भाई, देखो इसमें कुछ है नहीं, इसमें मतलब बहुत कोई आपको टफ लगे ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक, अब देखो एक सवाल आपको और कराते हैं, ठीक है. अब देखो कैसे सवाल आएगा, अब मैं वो सवाल करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है. ये सब तो 1-1 मार्क के सवाल है, आए ना आए वो डिपेंड करता है. ठीक, देखो जरा एक इस सवाल को देखना, ये वाला थोड़ा सा हल्का प्रिंट आया है, मैं पढ़ के बता दूंगा अभी, और इसे डायग्राम भी दे रखा है. इसमें बोला है फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें बोला है फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव द चार्ज 4Q फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी. ये लो, इन्होंने एक अलग ही लेवल सवाल पूछ लिया. इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने कहा कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये जो −Q यहाँ गिवन है, −Q यहाँ गिवन है, यहाँ −Q गिवन है, यहाँ −Q गिवन है, और यहाँ भाई सब जो है यहाँ पे ये +4Q गिवन है, ठीक है. तो इन्होंने कहा कि फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम आपको निकालना है वो वर्क डन जो कि 4Q चार्ज को पॉइंट पी से इन्फिनिट लेके जाएगा. इन्होंने कहा अच्छा, तो ऐसा है कि पॉइंट पी से इन्फिनिट जाने का है, तो लिखना पड़ेगा वी इन्फिनिटी माइनस तुम्हारे पास वी पी, ठीक है, और किसको लेके जाना है, 4Q को लेके जाना है ना, P
टी से इन्फिनिटी लेके जाना है, इन्फिनिटी कहाँ है पता नहीं, कहाँ इन्फिनिटी यहाँ होगा, इन्फिनिटी यहाँ मान लेते हैं ठीक है। तो पी से इन्फिनिटी लेकर के जाना है, फोर क्यू को लेकर जाना है, तो फोर क्यू अपना जो हो है वो हो गया अपना कैरिंग चार्ज, ठीक है, ये हो गया अपना कैरिंग चार्ज, ये हो गया अपना कैरिंग, कैरिंग मतलब जिसको लेकर के जाते रहते हैं, ठीक है, इसको लेकर के जाते रहते हैं वो अलग कैरिंग चार्ज, ठीक है। इसने कहा कि इस पर्टिकुलर चार्ज को लेकर के जाएंगे इन्फिनिटी पे पी पॉइंट से, तो इसने कहा ठीक है क्या चाहिए, इसने कहा कुछ नहीं चाहिए, ये तो जीरो हो गया, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया फोर क्यू इंटू हमारे पास माइनस ऑफ वी पी, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है तो एक काम करें, हम ये ना निकाल लें कि इन्फिनाइट से पी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, और जो वर्क डन उस पर लाने के लिए करना पड़ेगा उसका नेगेटिव वर्क डन यहाँ से ले जाने के लिए करना पड़ेगा। इसने कहा हाँ बात तो सही है, तो इसने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं हम ये निकाल लेते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे, ये निकाल लेते हैं ठीक है। तो उसने कहा ये निकाल लो उसमें क्या दिक्कत है, और उसने कहा चाहो तो डायरेक्टली कर लो, उसने कहा ठीक है हम दोनों तरह से करके दिखा देते हैं। उसने कहा कि वी पी माइनस हमारे पास वी इन्फिनिटी, वी इन्फिनिटी जीरो हो गया। अब इसने कहा लाओ भैया मेरे को पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल करके दो। इसने कहा कैसे निकाले, इसने कहा चार लोग बैठे हैं उनकी तरफ निकालो, चार लोग ए बी सी डी में बैठे उनकी तरफ निकालो, तो वी पी निकाला उन्होंने, वी पी आया क्या तुम्हारे पास वी ए प्लस, तुम्हारे पास वी बी प्लस, तुम्हारे पास वी सी प्लस, तुम्हारे पास वी डी, ठीक है। अब भैया ऐसा है कि ये ए है, ये ए है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितना रूट टू ए है ना, रूट टू ए हो जाएगा। तो भैया ए से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए से पी तक की दूरी हो जाएगी रूट टू ए अपॉन टू, दैट इज कितना ए अपॉन रूट टू, तो बहुत सिंपल सी बात है, ए अपॉन रूट टू वैल्यू तुम्हारे पास आएगी। इसने कहा एपी की भी यही वैल्यू, बीपी की भी यही वैल्यू, सीपी की भी यही वैल्यू, डीपी की भी यही वैल्यू। इसने कहा, इसने कहा के इंटू कितना माइनस क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना एपी, ठीक है, के इंटू माइनस क्यू अपॉन तुम्हारे पास बीपी, के इंटू माइनस क्यू अपॉन सीपी, इसने कहा के इंटू माइनस क्यू अपॉन तुम्हारे पास डीपी। इसने कहा एपी बीपी सीपी डीपी सबसे ठीक, इन्होंने कहा फोर टाइम्स ऑफ के इंटू माइनस क्यू अपॉन यहाँ पे ए अपॉन रूट टू पुट कर दिया। उन्होंने कहा हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू कितनी आ गई फोर रूट टू माइनस में के इंटू क्यू अपॉन तुम्हारे पास ए, ये वो तुम्हारे पास पोटेंशियल आ गया जो कि पॉइंट बी पे इन चार्ज सिस्टम की वजह से निकला हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है मेरे को वर्क डन निकालना था तो मैंने इन्फिनिटी से पी का निकाला वर्क डन, तो ये आ गया तुम्हारे पास फोर क्यू इंटू तुम्हारे पास बी पी, तो आंसर आ गया कितना फोर फोर द सिक्सटीन रूट टू, फोर फोर द सिक्सटीन रूट टू तुम्हारे पास कितना के तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ये पर्टिकुलर वैल्यू तुम्हारे पास आ गया सिक्सटीन रूट टू तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर इंटू के अपॉन ए। अगर डब्ल्यू इन्फिनिटी से पी ले जाने के लिए होगा तो डब्ल्यू पी से इन्फिनिटी ले जाने के लिए क्या होगा, मतलब इन्फिनिटी से अगर पी पे लेकर के फोर क्यू चार्ज पे आओगे तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर पी से इन्फिनिटी लेकर के जाओगे तो कितना करना पड़ेगा माइनस ऑफ डब्ल्यू इन्फिनिटी से लेकर के पी वाला। इसने कहा हाँ, इसने कहा माइनस ऑफ सिक्सटीन रूट टू के तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो आंसर कितना आ गया प्लस ऑफ सिक्सटीन तुम्हारे पास रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो गया अपना आया समझ में, है ना, एकदम इजी सा सवाल है। इसमें क्या पूछ लिया, इसमें तो उल्टा पूछ लिया तुमसे, इसने कहा कि पी से इन्फिनिटी ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, अपन लोग इन्फिनिटी से पी निकाल लें उठा के माइनस कर दे आंसर आ जाएगा, सीधी सवाल कुछ भी नहीं करना है, सवाल समझ आ रहा है ना। ऐसा सवाल अपने बोर्ड एग्जाम में अगर ईजी पेपर बनेगा तो आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब ये अगर टॉपिक आ गया तो ये सवाल बनेगा बनेगा, नहीं 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 भैया ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, इसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। हाँ, ये इसके मेन सवाल है, तो देर आर मोर चांसेस कि आपको ऐसा सवाल मिल जाए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, एक और सवाल कराता हूँ मैं ऐसे कुछ हल्का फुल्का, देखिएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा कुछ सवाल देते हैं, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, दूसरा हल्का प्रिंट हो गया सर। फोर इक्वल चार्जेस जो है क्यू आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोर कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन, मतलब डायग्राम बना देता हूं मैं। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज, इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज, ब्रिंगिंग द थर्ड चार्ज, ब्रिंगिंग द फोर्थ चार्ज, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। अब यार ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या ही बताना है तुमको, ये तो एक तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन ही करवा देगा, है ना, ये तो एक तरीके से पूरा का पूरा डेरिवेशन ही करवा देगा, ठीक है। अब किसी ने मुझे आंसर अभी भेज दिया जीरो है,
जीरो नहीं होगा भाई, यहाँ पे फोर चार्जर्स हैं ठीक है, और ये फोर के फोर चार्जर्स जो हैं पॉजिटिव हैं ठीक है, तो तुम्हारे पास वर्क डन यहाँ पे जीरो तो नहीं होने वाला है ठीक है। देखिएगा इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, सिंपल सी बात है, ए पे इनफाइनाइट से आए होंगे ठीक है, और देखते हैं ठीक है। हाँ पहले वाले पेपर हैं ठीक है, बी, और ये तुम्हारे पास सी पे आए होंगे, और ये तुम्हारे पास डी पे आए होंगे। इसका मतलब आपको डब्ल्यू वन भी निकालना है, आपको डब्ल्यू टू भी निकालना है, आपको डब्ल्यू थ्री भी निकालना है, आपको डब्ल्यू फोर भी निकालना है, फिर आपको डब्ल्यू टोटल निकाल लेना है ठीक है। और ये हो जाएगा डब्ल्यू वन प्लस तुम्हारे पास डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री प्लस तुम्हारे पास डब्ल्यू फोर। अब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर आप निकालना है ना, इतना तो कम से कम आप करना। मैं टोटल निकाल के आपको आंसर बता दे रहा हूँ ठीक, वो आप निकालना। अब देखो मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर वही तो वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ठीक है। और मुझे पता है कि जब चार चार्ज होते हैं तो मेरे को टोटल मिलाकर कितने, फोर सी टू का मतलब है टेन टर्म्स आए, नहीं सॉरी सिक्स टर्म्स आए ठीक है। तो उसने कहा कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको कभी लिखने में दिक्कत हो ऐसे लिख लेना ठीक है। क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री तुम्हारे पास क्यू फोर, क्यू थ्री तुम्हारे पास क्यू फोर, और तुम्हारे पास क्यू फोर, बड़े आराम से आ जाएगा ठीक। क्यू वन तुम्हारे पास क्यू टू अपॉन कितना, यह आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स वन टू, सेम तरीके से क्यू वन तुम्हारे पास क्यू थ्री अपॉन तुम्हारे पास एक्स वन थ्री, क्यू वन तुम्हारे पास क्यू फोर अपॉन तुम्हारे पास एक्स वन फोर, सेम तरीके से ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, लिख देंगे क्यू टू क्यू थ्री अपॉन तुम्हारे पास एक्स टू थ्री, यहाँ लिख देंगे क्यू टू क्यू फोर अपॉन तुम्हारे पास एक्स टू फोर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्यू थ्री क्यू फोर अपॉन तुम्हारे पास एक्स थ्री फोर ठीक। ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, छः के छः टर्म्स आने थे, फोर सी टू का मतलब होता है सिक्स होता है, छः के छः टर्म्स हमने लिख दिए, हमने कहा वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि ठीक है भाई वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया है ए, ये हो गया है ए, ये हो गया है ए ए ठीक। और ये वैल्यू का तो अपन लोगों को पता ही है, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है अपनी कितनी, ये होती है अपनी रूट टू ए, और ये वैल्यू भी कितनी होती है अपनी, ये वैल्यू भी होती है अपनी कितनी रूट टू ए ठीक। तो ये वैल्यू भी अपनी रूट टू, अब बस वैल्यू से बोलता हूँ कुछ ना करो ठीक। तो इन्होंने कहा कि टोटल तुम्हारे पास निकालना है, तो इसने कहा कि वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू वन क्यू टू, अब देखो जितने भी क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर जितने भी लोग हैं सब तो क्यू हैं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा एक्स वन टू, एक्स वन टू का मतलब है कि तुम्हारे पास ये वन है, ये तुम्हारे पास टू है, ये तुम्हारे पास थ्री है, और ये तुम्हारे पास फोर है, बस इनकी दूरी रखते जाना है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास इनके बीच का कितना ए ठीक है। क्यू वन क्यू थ्री का मतलब कितना हुआ, क्यू वन क्यू थ्री का मतलब हुआ क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, ये तुम्हारे पास रूट टू ए। जल्दबाजी में कहीं स्क्वायर मत करके चले आना, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मुलों में नीचे स्क्वायर होता है, पता चला तुम स्क्वायर लगा के चले आए तो टीचर ने काम ही तमाम कर दिया तुम्हारा ठीक। ध्यान रखिएगा क्यू वन क्यू फोर कितना होगा, योगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए, देन क्यू टू क्यू थ्री कितना होगा, योगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए, देन क्यू टू क्यू फोर कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए ठीक, देन क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये आ गया आपके पास आंसर ठीक। अब आपने क्या करना है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया टू टाइम्स ऑफ क्या नाम है क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू ए, और ये हो गया फोर टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन ए ठीक है। ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि ठीक है सर ये तो बढ़िया है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कॉमन ले लें, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, नीचे से ए भी ले लीजिए, ये रूट टू ने इसको रूट टू बना दिया, तो ये हो गया कितना रूट टू प्लस तुम्हारे पास फोर, और ये हो गया आंसर खत्म ठीक है ना। सिंपल सा सवाल है, आराम से कर सकते हो, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू निकाल लेना भाई है ना, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू निकाल लेना, फॉर्मुला डेरिवेशन तो तुम्हें सिखाई चुके हैं, बस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर निकाल लेना, उठा के सबको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद अल्टीमेटली तुम्हारे पास ये आंसर आ सकता है। सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। एक सवाल इसी में मेरे को और बताना है, उसको भी लिख लीजिए आप फटाक से क्या है। तो उसने कहा है कहाँ सवाल, चलो यार बताते हैं पहले, अब आते हैं जरा इस पहले सवाल पे आ जाते हैं, फिर वाले सवाल पे आएंगे आराम से बाद में। इसने कहा कि डिटरमाइन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रो कूलम एंड
माइनस टू माइक्रो कूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड, इसने लिख के दे दिया, इसने इस बार लिख के दे दिया विद तुम्हारे पास नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस एट माइनस तुम्हारे पास 9,0,0 एंड 9,0,0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम ले आए यहाँ पर बना दिया हमने इसको, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास 9,0,0 और ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 9,0,0। ठीक है, ये हो गई है अपनी तुम्हारे पास x एक्सिस, ये हो गई है y एक्सिस और ये हो गई है z एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा है कि 7 माइक्रो कूलम यहाँ पर रखवा लेते हैं, ठीक है, माइनस में 7 माइक्रो कूलम माइनस में है, तो 7 माइक्रो कूलम यहाँ पर रखवा लेते हैं और माइनस 2 माइक्रो कूलम यहाँ पर रखवा लेते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ऐसा है कि अपने को निकालना है पहला पार्ट कि भैया इन लोग की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो। यार बहुत ही सीधी सी बात पूछे ले रहा है, तो इसने कहा कि 1 अपॉन तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास x। यहाँ पे बच्चे लोग गलती ये करते हैं कि ये माइनस नाइन और नाइन को समझ नहीं पाते हैं। यार तुमको इनके बीच की दूरी चाहिए, ये दूरी कितनी है 9, ये दूरी कितनी है 9, तो 9 और 9 18 हुआ ना, फिर लोग कहते हैं इधर 9 माइनस 9 ऐड करो 0 हो गया। अरे 0 कैसे हो गया, और माइनस 9 का मतलब है नेगेटिव x एक्सिस में बैठा हुआ है, 9 तो दूरी है ना ओरिजिन से, ओरिजिन से दूरी तो 9 है तो 18 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 9 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और Q2 की वैल्यू कितनी माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक, अपॉन तुम्हारे पास कितना 18 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 2। ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास 9 to the 18 उनका काम तमाम। ठीक, तो ये हो गया है तुम्हारे पास माइनस 7 इंटू 10 की पावर 11 10 की पावर माइनस 12, आंसर हो गया माइनस ऑफ 0.7 जूल। ठीक, माइनस ऑफ 0.7 जूल इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सेकेंड पार्ट इसने क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट इन्होंने हमसे कहा है कि आपको निकालना है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास फाइनाइट लोकेशन जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ से इनफाइनाइट लेकर के जाना है। हमने कहा हाँ, तो इसने कहा कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको पता है कि जब हम लोग, इसने कहा कि हमको पता है कि जब हम लोग डब्लू इनफाइनाइट से तुम्हारे पास किसी फाइनाइट लोकेशन पे आते हैं तो हम लिखते हैं कि यू तुम्हारे पास फाइनाइट माइनस तुम्हारे पास यू इनफाइनाइट, है ना, यही तो लिखते हैं। तो इसने कहा, तो इसने कहा कि डब्लू इनफाइनाइट से फाइनाइट पर अगर लेकर के जाना है तो यू फाइनाइट पर कितनी वैल्यू है माइनस ऑफ 0.7 यू, और तुम्हारे पास यू तुम्हारे पास इनफाइनाइट पर कितनी वैल्यू है, यू इनफाइनाइट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 रखा। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज निकाली है ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस ऑफ 0.7। ठीक, ये तो डब्लू इनफाइनाइट से फाइनाइट तक का है, ये क्या है, ये तो अगर डब्लू तुम्हारे पास इनफाइनाइट से फाइनाइट तक का वैल्यू होने का थी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा डब्लू तुम्हारे पास जो है फाइनाइट से मेरे को इनफाइनाइट पे लेकर जाना है, मतलब जहाँ पे ये लोग हैं इनको दूर लेकर जाना है इनफाइनाइट पे। तो इसने कहा ठीक है, सिंपल है, डब्लू इनफाइनाइट से तुम्हारे पास फाइनाइट वाले की जो वैल्यू है उसको उठा के माइनस करो। तो इसने कहा ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस ऑफ 0.7 और ये हो गया तुम्हारे पास प्लस ऑफ 0.72, ये हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इन दो चार्जेस को सेपरेट करके इनफाइनाइट पे पहुंचाना था, तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा 0.72। ठीक, अब देखो अगला पार्ट, इसने कहा कि सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसने कहा ऐसा मानो कि सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन तुम्हारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा ओके, ठीक, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमको फॉर्मूला दे रखा है, ये हमको दे रखा है A1/r² जिसमें A को ये कांस्टेंट है, ठीक है, और व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन बी। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम लेकर के आगे सवाल को नीचे, ठीक है, हमने कहा कि लाओ भाई अब एक्सटर्नल आ गया। उसने कहा कि ठीक है एक्सटर्नल आ गया, देखते हैं एक्सटर्नल क्या कर लेगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस 9 और 0,0 पे और ये हो गया तुम्हारे पास प्लस 9,0,0 पे, यहाँ पे ये बैठे हुए थे और यहाँ पे ये बैठे हुए थे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे बनाना कैसे है, ठीक है, तो मैं एट रैंडम कुछ भी ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो कुछ बताया नहीं है कि कैसे एक्जेक्टली वो होगा क्या होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो कई लोग के साथ ऐसा आ सकता है, तो हमने कहा ठीक है। अब जब मैंने इसका लिखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो मैंने लिखा Q1 वी ऑफ तुम्हारे पास R1, Q2 वी ऑफ तुम्हारे पास R2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच में R12।
ओके ये तुम्हारे पास फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दे दिया गया, ठीक। ये तुम्हारे पास ई क्या दे रखा है, ई वन बाय आर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। इसने कहा ठीक सर ई वन बाय आर स्क्वायर को दे रखा है। अब इसने कहा कि कैसे हम लोग करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाना है, अब मुद्दा ये है कि पोटेंशियल फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो हमें ये पता है कि माइनस ऑफ डी वी अपॉन तुम्हारे पास डी एल या डी आर या डी एस जो भी आप बोलना चाहें, आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। कहा होता है, तो इसने कहा कि कैसे निकालेंगे, तो इसने कहा कि हम लोग ये जानते हैं कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा दिक्कत हो कि हम ये सब जनरेट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, सीधा तरीका बताओ, तो सीधे तरीके में तो कैसे करना, ई का फॉर्मूला लिखना, वी का फॉर्मूला लिखना। तो तुमको पता है कि वन अपॉन आर इन टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास क्यू बाय आर तुमने ऐसे लिखा, ठीक है, तो तुमने साथ साथ ये कह दिया कि ये हमने लिखा है वन अपॉन आर इन टू वी, ठीक है। इसने कहा कि वी को हम लिख सकते हैं क्या, ई इन टू आर, वी को हम क्या लिख सकते हैं, ई इन टू आर। इसने कहा ठीक है, आप वी को ई इन टू आर लिख सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि अब आप जो है कैसे यहाँ पे लिखेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू को। इसने कहा ठीक, इसने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे को वी ऑफ आर वन लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ई इंटू तुम्हारे पास आर, ठीक है, ई इंटू तुम्हारे पास आर लिखूंगा। अब इसने कहा ई इंटू वन बाय आर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो ये हो गया ए इंटू तुम्हारे पास वन बाय आर स्क्वायर इंटू तुम्हारे पास आर, ये होगी वैल्यू। तो हमने कहा कि v ऑफ r1 लिखना था मेरे को, तो मैं लिखूंगा a ऑफ तुम्हारे पास r1, ठीक है, a ऑफ तुम्हारे पास r1 लिखूंगा, है, और तुम्हारे पास v ऑफ मेरे को r2 लिखना था, तो मैं लिखूंगा a ऑफ तुम्हारे पास जो है कितना r, इस तरीके से लिखूंगा। अब कोई कहेगा कि एक मिनट, ये तो फंक्शन दे रखा था, नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली होगा क्या कि जब भी आपके पास फंक्शन देना होगा तो वो ऐसे करके बोलेगा, हमेशा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बोलेगा, ऐसे करके तुमको बताएगा। लेकिन जब तुमको यहाँ पे उसने एक एक्सप्रेशन दे रखा है e equals to 9 into 10 to the power 5 into 1 by r square दे रखा है, तो हम उसको e पे यहाँ पे पुट करेंगे, a into 1 by r square की तरफ पुट करेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपना जो जनरल फॉर्मूला जो हमने निकालना है, ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a upon r, फिर मैंने r1 के लिए पुट करा और फिर मैंने यहाँ पे r2 के लिए पुट करा, ये मेरे दो फॉर्मूले बन गए। इसने कहा ठीक है, अब क्या करूँ, इसने कहा अब मैं यहाँ पुट करूंगा वी आर वन पे वी आर टू पे और बस क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हमने कहा ठीक है लाओ, हमने जब फॉर्मूला पुट करा तो आया हमारे पास क्या, क्यू वन इन टू वी ऑफ आर वन की जगह हमने पुट किया ए ऑफ तुम्हारे पास आर वन, क्यू टू इन टू ए ऑफ तुम्हारे पास आर टू, ठीक है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इनसे तो कोई मतलब है, इनसे तो किसी भी तरीके का कोई आपस में संपर्क नहीं है, तो ये हमने निकाल दिया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब हम वैल्यू सॉल्व करने वाले हैं। क्यू वन की वैल्यू कितनी है, क्यू वन हमने किसको माना है, इसने कहा Q1 आपने किसको माना है, ये आपका तुम्हारे पास 7 माइक्रोकूलम मेरा फर्स्ट का है और माइनस 2 माइक्रोकूलम मेरा सेकंड वाला है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है लो पुट लो, पुट कर लो, तो हमने कहा पुट कर लेते हैं। R1 एंड R2 कहाँ से मेजर होंगे, ध्यान रखना, R1 एंड R2 विल बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। क्यों क्यों ऐसा क्यों, ये तुम्हारे पास पोजिशन वैक्टर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ये तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहे हैं। पोजीशन वेक्टर हमेशा ही तुम्हारे पास ओरिजिन से ट्रीट होता है, ये ध्यान रखना, ये पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, पोजीशन वेक्टर हमेशा ही तुम्हारे पास ओरिजिन से ट्रीट होता है और कहीं से ट्रीट नहीं होता। क्यों, अच्छा ऐसा कैसे आपको पता चला, अब सिंपल सी बात है, जब मैं 9, 0, -9, 0, 0 जब यहाँ पर पुट कर रहा था तो कहाँ से पुट कर रहा था, ओरिजिन से पुट कर रहा था, इसका मतलब ओरिजिन से ही पुट करना पड़ेगा। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ भाई फिर हम लेकर क्या है। तो हमने यहाँ पे पुट करना चाहा, हमने कहा कि Q1 की वैल्यू 7 माइक्रोकूलम, ठीक, तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी, 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2, A की वैल्यू कितनी, A की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को कितना, 9 इंटू 10 की पावर 5, तो हमने यहाँ पुट करा 9 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर 5। Q2 की वैल्यू कितनी, माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, आर टू की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर तुम्हारे पास माइनस 2 इंटू, ए की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 9, अच्छा इसको क्यों सॉल्व करें, इसकी तो वैल्यू ऑलरेडी पता है,
इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू तो -0.7 आई थी, इसको क्यों उतारेंगे? इसने कहा -0.7, ठीक। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करने के बाद इनकी दोनों की वैल्यू आती है 50, 50 में से 0.7 माइनस करने पड़ेगा और आंसर आएगा 49.3। दिस वे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी। किसी को यहाँ पे कोई डाउट, कोई मन में कोई दुविधा हो तो मुझे बता, एनसीईआरटी का सवाल ठीक एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है आपके सामने। इसमें साथ साथ पहला पार्ट देखो बहुत ईजी था, दूसरा पार्ट भी बहुत ईजी था, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था। तीसरे पार्ट में खेल था, तीसरे पार्ट में मैंने यहाँ पे पुट करा ठीक है वी ऑफ दी आर वन वी ऑफ दी आर टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू ठीक। अब जब मैंने इसको यहाँ पे पुट करा तो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले में हमने ये क्या किया, ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एल लिखा। कुछ लोगों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है, अब ये डी वी डी एल ई वी और एल का, तो अगर आपको कभी भी ऐसा हो ना झंझट मत पालना, आप सीधे उठा करके ऐसे बना लेना है फॉर्मूला, इतना तो याद रख ही लोगे कि वी इज इक्वल टू ई इंटू आर होता है ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला बनाओगे जहाँ पे तुम्हारे पास ई था, उस ई को उठा के ए इंटू वन बाई आर स्क्वायर पुट करा, इंटू आर पुट करा, ये वी आर का जनरल फॉर्मूला बन गया ठीक। ये तुम्हारे पास बन गया क्या, ये तुम्हारे पास बन गया जनरल फॉर्मूला। अब जब तुम्हारे पास ये जनरल फॉर्मूला बन गया है तो इस जनरल फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने वी का पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया ठीक। अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि वी ऑफ दी आर वन इज इक्वल टू ए ऑफ अपॉन आर वन, वी ऑफ दी आर टू इज इक्वल टू ए अपॉन तुम्हारे पास आर टू, Q1 into A upon R1, Q2 into A upon R2, 1 upon 4% का formula put करा, values put करी और values put करने के बाद हमारे पास answer आया कितना 49. किसी को यहाँ कोई doubt किसी भी तरीके का तो मुझे बताइए, कहीं कोई शंका हो रही हो। अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये लगे कि अच्छा ये तो बहुत easy था तो कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। मान लो कि सर कुछ बड़ा अजीब सा फंक्शन दे देता, जैसे मान लो ई रिक्वेस्ट टू तुम्हारे पास ई रिक्वेस्ट टू तुमको ऐसा बोल देता कि यार ए इंटू वन बाय आर स्क्वायर की जगह 1/r की बार 4/2 ठीक है, ऐसा कुछ बोल देता तो कोई दिक्कत नहीं उठा के मल्टीप्लाई करते ठीक है, हमारे सॉल्व करने के उस पर रहता, आईएससी बोर्ड में सॉल्व हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर नहीं रहेगा, तो आपको क्वेश्चन का एक्सप्रेशन में वहीं छोड़ देना होगा। जेई मेंस ऐसा ही करता है, वो क्या करता है, वो उल्टे सीधे एक्सप्रेशन दे देगा और कह देगा तुमसे सॉल्व तो होगा नहीं, तुम यहीं पर छोड़ दो, उसी को आंसर मान लेगा और वही ऑप्शन में तुमको दे देगा, बस यही खेल होता है ठीक है। तो कैसा भी एक्सप्रेशन दे दे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है निकाल लेते हैं ठीक है भाई। एकदम ईजी सा सवाल है, कुछ टफ नहीं है, बड़े आराम से आप कर सकते हो ठीक है, एकदम ईजी प्रॉब्लम आराम से ठीक। चलो देखिए कोई छोटा क्वेश्चन है तो कराएं, छोटा क्वेश्चन है क्या कोई नहीं, चलो अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, छोटा क्वेश्चन नहीं बड़े क्वेश्चन है तो कल अगले क्लास में कंटिन्यू ठीक है। चलिए मिलते हैं।